हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो का शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9th के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो साइंस में पूछे जाने वाले हैं इस बार के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको करना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि अभी समय बचा नहीं है, बहुत कम समय है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करना है, तो इसके लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर में से कितना टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। तो बने रहना हमारे साथ और देखते रहना, सारा चीज़ हम ए टू जेड इस वीडियो में कवर करेंगे। ए टू जेड बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ के जाना ही जाना है, और कौन सा टॉपिक जो है लेस इम्पॉर्टेंट है जिसको नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो बने रहना, ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर है जो रिड्यूस है, कुछ कुछ चैप्टर है जो आ रहा है। जैसे ये दोनों चैप्टर में से ओनली हम लोग को वो पार्ट पढ़ना है जिससे हमारा काम बन जाए। ये चैप्टर एक्चुअली आ नहीं रहा है, लेकिन इसका कुछ बेसिक पार्ट आ रहा है। जैसे मैटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मैटर का तीनों स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज इस दोनों चैप्टर से पढ़ना है, जैसे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होते हैं। ठीक है, और इनके तीनों के स्टेट के बारे में बेसिक डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, खासकर और इसके बारे में और इस चैप्टर से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे सिलेबस में है एटम्स एंड मॉलिकुल्स, लेकिन इससे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है सिलेबस में, उसके बाद है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिशू। ठीक है, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं लोग, मोशन है चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड इनर्सी है, साउंड है, और लास्ट जो फिफ्थ चैप्टर है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो ये हमारा बेसिकली मेन चैप्टर है जो जो आने वाला है सिलेबस में। ठीक है, बाकी जो चैप्टर को हम हाईलाइट नहीं किए हैं वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो सिलेबस से बाहर है। तो चलो देखते हैं इन सब टॉपिक के, मतलब ये सब चैप्टर के अंदर कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब जरूरत पड़ेगा आप लोग अपना साइंस बुक निकाल लीजिए, एनसीईआरटी। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मार्कआउट कराएंगे उसको आप लोग साथ में मार्कआउट करते चलिए, क्योंकि मार्कआउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसके वजह से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो मार्कआउट करो, मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक को रीड करना। ठीक है, तो ध्यान देना, हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग 15 चैप्टर से। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है ध्यान से देखना। इसमें ये सब चीज़ के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन हम लोग पढ़ना है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे लोग, आगे बता रहे, इसमें ये दो क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, नोट डाउन कर लो, मार्कआउट कर लो, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों क्वेश्चन को करके ही जाना, ठीक है, छोड़ के मत जाना। ठीक है, इनका आने का चांसेस है। ठीक है, इसके बाद ये सब नहीं पढ़ना है, क्रॉप मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो अगर समय है, जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए तो ठीक है, जिसके पास समय नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उसको मेन मेन टॉपिक बता रहे हैं जो जो आने वाला है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस पढ़ लेना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इसको याद कर लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आने का इसका भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लेना, फर्स्ट वाला ओनली। ठीक है, सेकेंड पार्ट नहीं करना है इसका। ठीक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके ही जाना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं लो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं लो और देखते हैं लो इनके बारे में, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना। हाँ, अब यहाँ पे एक क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ना है, क्रॉपिंग पैटर्न में आप लोगों को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड
डिफरेंस बिटवीन मिक्स लिखते चले जाओ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं ना, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं लोग इसके आगे और कौन सा क्वेश्चन जानना है। इसके आगे ये सब नहीं जानना है, स्टोरेज ये सब का जरूरत नहीं है, इस सब से क्वेश्चन नहीं आता है, बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और ये सब नहीं जानना है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उतना इस बार का इम्पोर्टेंट नहीं है, पोल्ट्री फार्मिंग जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं लो, हाँ, फिशिंग प्रोडक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है, ये सब का ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग जाने अनजाने में छोड़ देते हो, वो चीज़ है यहाँ पे बी कीपिंग, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। इस बार इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आएगा ही 100%, लेकिन इसका चांसेस बनता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इस चैप्टर में यही मेन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं लोग। चैप्टर 15 हो गया हमारा सिलेबस का पार्ट, अब कौन सा है, चैप्टर 15 के बाद साउंड देखते हैं लोग, ठीक है। चैप्टर 12 देखो, जो बच्चा मार्कआउट नहीं कर रहा है, फिर से बोल रहे हैं मार्कआउट कर लो, ठीक है। और जो टॉपिक को हम मार्कआउट करा रहे हैं, वही टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। इससे होगा क्या कि ऐसे भी आप लोगों का तैयारी नहीं है, और तैयारी नहीं है, जो टॉपिक बता रहे हैं उसका चांसेस ज़्यादा है आने का, तो वो अगर टॉपिक को आप रेडी करके जाते हो तो चांसेस है कि आप स्कोर कर पाओ, ठीक है। पढ़ना सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई एक प्रॉपर वे में हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हो, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तभी जाके स्कोरिंग हो पाता है एग्जाम में, अदरवाइज स्कोरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्टडी के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर वे होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्टडी होना चाहिए ताकि स्कोरिंग हो पाए। तो इसलिए अभी समय कम है कि ब्रीफ में हम जान पाए सारा चीज़ एक एक टॉपिक को, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ के जाओ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग साउंड पे, ठीक है। अब साउंड पे देखते हैं लोग, साउंड का ई रहा साउंड, ठीक है। इससे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, साउंड के बारे में आप लोगों को बेसिक पकड़ रखना है, ठीक है। साउंड क्या होता है, साउंड एक वेव है, एक एनर्जी है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये टॉपिक को सही से पढ़ लेना, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, इसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। साउंड कौन सा वेव है, ठीक है, मैकेनिकल वेव है या कौन सा वेव है, तो साउंड मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का पार्ट भी आता है, मैकेनिकल वेव का दो पार्ट यहाँ पर डिस्कशन होंगे, एक तो ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड हमारा ट्रांसवर्स वेव है, और लाइट हमारा जो है, साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। इनके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद हम लोग जानते हैं लो, आगे बढ़ते हैं लो, ये सब टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके बारे में, ठीक है। इतना याद रखना, साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, जिसमें से 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर छोड़ भी सकते हो, लेकिन 2 नंबर नहीं छोड़ना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 2 नंबर को करके जाना, ओके। आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसमें आप लोगों को फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इससे आपका न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है, डिफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये दोनों को एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, ठीक है। ये खास करके वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव, ये बहुत बार पूछे जाने वाले में से है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको जरूर करके जाना। कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से बता दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है, आने वाला हो तो, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ,
और ये सब चीज को जानने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों को कुछ रिलेशन जानना होगा, ठीक है। जैसे ये वी इक्वल टू लैम्डा बाई टी, और 1/T जो होता है वो फ्रिक्वेंसी होता है, तो ये रिलेशन को आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स आए तो बन पाए, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल्स आने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। थ्योरी पोर्शन इससे डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे भी जाएंगे तो हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा पूछे जाएंगे। लाउडनेस, पिच, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पूछे जाएंगे, ठीक है, लाउडनेस और पिच के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लाउडनेस और पिच। आप लोग लाउडनेस के बारे में पढ़ लीजिएगा और पिच के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार पूछे जाने वाले से है वो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में आ जाओ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, एक ये है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और आपका स्पीड, इनके बीच में, यानी कि ये वाला जो रिलेशन डिस्कशन हुआ वही है यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों न्यूमेरिकल्स कर लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, ओके, ये दोनों न्यूमेरिकल्स कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे चले जाओ, हाँ, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये डिफिनेशन के तौर पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर से और क्या पूछे जाएंगे तो ध्यान से देखना, ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है, और नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। और एक और याद कर लेना, इको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन, और ये वाला न्यूमेरिकल्स कर लेना, ठीक है, क्योंकि साउंड का न्यूमेरिकल्स इस टाइप का आएगा, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स कर लेना। फिर से बता रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन, इसको पढ़ लेना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस है, ठीक है। इसके बाद ये सब नहीं पढ़ने का जरूरत है, ये सब का कोई काम नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, वाई फ्रिक्वेंसी, सिर में अल्ट्रासाउंड सोने की, ये सब नहीं करेंगे तब पर भी चल जाएगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और टॉपिक है सोनार, ठीक है, सोनार को थोड़ा सा पढ़ लेना, इतना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है सोनार का, पूछना हो तो बस, ठीक है। इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा, अब आगे देखते हैं लो, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, दो चैप्टर हमारा हो गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी से आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, डिफिनेशन कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसका, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कर लेना, वर्क एंड एनर्जी का बता दे रहे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं लो। देखो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, इतना भी लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत ऐसा चीज देखने को मिलेगा जो आप लोगों को स्कोरिंग करने में मदद करेगा, ध्यान से देखना। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या जानना है, वर्क क्या होता है, ठीक है, और एनर्जी क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। वर्क और एनर्जी दोनों ही एनर्जी का फॉर्म है, वर्क क्या है, वर्क एनर्जी है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ओके, एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल होता है। तो वर्क डन और एनर्जी के बारे में पढ़ के रखना है, इससे क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, वर्क एंड एनर्जी से न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाले से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इसे न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल्स ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिस्प्ले व्हाट इज द वर्क डन, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है, व्हाट डू वी डू। हाँ, इसको एक कर लेना, 3 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, 1 जूल वर्क को डिफाइन करने के लिए पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद अ पेयर ऑफ इतना न्यूटन प्लग इन द फील्ड, ये सब नहीं पूछने वाला है। एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, ओनली फॉर्मूला, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आता कैसे है, इसका अगर पूछना हो तो 3-4 मार्क्स में पूछ सकता है डेरिवेशन, ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन कर लेना, ठीक है, ओके। और एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11.3, इसको जरूर कर लेना, ठीक है, 11.3,
ये पूछे जाने में से क्वेश्चन में से है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाओ, हमारा न्यूमेरिकल्स ये भी कर लेना, ठीक है। ये है 11.4, 11.4 न्यूमेरिकल्स कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाने में से है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं लो और देखते हैं लो व्हाट इज द काइनेटिक, ये सब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं लो और पोटेंशियल एनर्जी का ओनली फार्मूला, ठीक है, और ये वाला न्यूमेरिकल्स कर लेना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, है एग्जाम्पल हम 11.5, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पावर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाने का चांसेस नहीं है, ठीक है। इससे आप लोगों को से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस है, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन को रेडी कर लेना, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। वो ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। पावर क्या होता है इस टाइप से पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पढ़ के जाना, ओके। और ज़्यादा टफ बनाना हो तो ये वाला क्वेश्चन डाल सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये मेन है, 2 नंबर क्वेश्चन कर लेना और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से न्यूमेरिकल्स आता है, फिर से बता दिए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का न्यूमेरिकल्स कर लेना। और इसमें एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर आप 4 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, 9, 1 मिनट, सर्टेन हाउस होल्डिंग इतना यूनिट एनर्जी पर मंथ, हाउ मच एनर्जी, हाँ ये कर लेना 9 नंबर। और 9 के बाद आप कर लो बस 9 नंबर तक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर और भी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, लेकिन वही इम्पोर्टेंट था। अगर करना है और न्यूमेरिकल्स करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, तो 20 कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर का, ओके। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ हमारा, साउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब बच रहा है कौन सा चैप्टर, इसके बाद और 2-3 चैप्टर बच रहे हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। देख लेते हैं ना कौन कौन सा चैप्टर और बच रहा है। वर्क एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन बच रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशन और फोर्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं लोग। ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग, इससे इससे भी आप लोग का न्यूमेरिकल्स आएगा और कुछ नहीं आने वाला है, इससे डिफिनेशन वगैरह नहीं आएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, डिफिनेशन नहीं आने वाला है ग्रेविटेशन से। तो आप लोग को ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जो जो टॉपिक बता रहे हैं बस उसी को करते चले जाओ। ग्रेविटेशन से क्या क्या आने वाला है ध्यान से देखो, ग्रेविटेशन से जो आने वाला में से है, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, पूछेगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस याद कर लेना। उसके बाद रिलेशन पूछ लेगा स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, वो याद कर लेना। कैपलर लॉ नहीं आने वाला है, कैपलर लॉ को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लो और देखते हैं लो क्या पूछा जाएगा। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा फ्री फॉल के बारे में पूछा जाता है, लेकिन ये भी अभी चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, आगे आ जाओ, ये सब कुछ नहीं पढ़ने का है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ने का है आप लोगों का। व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल, हाँ एक क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पूछता है, यानी कि स्मॉल जी के बारे में पूछता है, इसको देख लेना, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में देख लेना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, मास और वेट के बारे में मिलाकर रिलेशन, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा वेट के बारे में बस। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है मून के वेट और अर्थ के वेट में, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मून पे है और अर्थ पे है तो दोनों में वेट में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, इस टाइप का। और ये एक न्यूमेरिकल्स कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10.4 और एग्जाम्पल नंबर बस ये कर लेना। उसके अलावा इस चैप्टर से नहीं आने वाला कोई चीज़, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बारे में, ठीक है, इसको कर लो, ये भी कर लेना, 2 नंबर क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है।
ये क्वेश्चन कर लेना। थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पूछता है लेकिन थ्रस्ट एंड प्रेशर से नहीं आने वाला। हाँ, बॉयंसी फोर्स के बारे में पढ़ लेना, बॉयंसी फोर्स क्या होता है। ओके, सिर्फ इससे न्यूमेरिकल्स आने वाला है। फिर से बोल दे, न्यूमेरिकल्स आने वाला है और कुछ नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। और एक और क्वेश्चन जो है रिलेटिव डेंसिटी से आने वाला है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को सही से पढ़ लेना, इससे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है इसको पढ़ लेना सही से। ओके, इससे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। क्लियर हो गया? ये न्यूमेरिकल्स भी कर लेना रिलेटिव डेंसिटी का, एग्जाम्पल नंबर 10.7। ओके, इसके बाद इससे और कुछ नहीं, बस ये कर लेना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है ये। इसको अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मार्कआउट कर देते हैं, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है बस, ठीक है। 2 नहीं करना है, ये हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशन उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लो और देखते हैं लो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और मोशन, ये दोनों चैप्टर को अभी स्किप करते हैं, पहले इसको बताते हैं। इनमें से जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को करना है हर हाल में, इस चैप्टर को करना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आएगा सब्जेक्टिव भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले हम लोग देखते हैं सेल वाला, ठीक है। ये सब तो हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। चलो फटाफट लॉज ऑफ मोशन के बारे में, आप मोशन के बारे में देख लेते हो। मोशन से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, मोशन का यूज आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कर लेगा, ठीक है। मोशन चैप्टर को आप स्केप कर सकते हैं। इसका 3 लॉ पढ़ लेना, 3 मोशन का 3 इक्वेशन, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक और क्वेश्चन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ठीक है। बेसिक नॉलेज ले लेना मोशन का, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस नहीं है। इसका यूज, इसका फॉर्मूला का यूज किस में कर देगा, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो इसको एस्केप कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर को देखते हैं ध्यान से, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका आ जाओ, ये आ गया लॉज ऑफ मोशन, राइट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हाँ ठीक है, हाँ। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इसको देख लेना, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आप लोगों का डिफिनेशन वगैरह तो नहीं आएगा, बैलेंस और अनबैलेंस ये सब जानने की जरूरत नहीं है। लॉज ऑफ मोशन का 3 लॉ को एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, इनर्शिया और मास के बारे में देख लेना, इनर्शिया और मास में डिफरेंस, ठीक है। व्हाट इज इनर्शिया और मास, मतलब सिंपल इनर्शिया और मास का मतलब डिफिनेशन पढ़ लेना, इनर्शिया एंड मास क्या होता है, ठीक है। और कुछ नहीं, बस इसका डिफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है, इनर्शिया और मास का। बस लॉज ऑफ मोशन का 2nd लॉ पढ़ लेना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ पढ़ लेना, ठीक है। उससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर से बोल देना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों पढ़ लेना, और ये न्यूमेरिकल्स जरूर कर लेना, ठीक है। 9.1, ओके। इसके बाद आ जाओ 9.1 के बाद, 9. ये नहीं आने वाला है आप लोगों का न्यूमेरिकल्स, ये आने वाला है 9.5, ठीक है। इसको पढ़ लेना, 9.5 को कर लेना आराम से, ये क्वेश्चन आने वाला है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लेना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इससे पक्का क्वेश्चन आने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक फेमस क्वेश्चन है रिकॉल वेलोसिटी का, ठीक है। ये पूछा जाता है रिकॉल वेलोसिटी, यानी कि ये वाला एग्जाम्पल नंबर 9.6, ठीक है। इसको जरूर कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 9.6 कर लेना, उसके बाद 9.7 भी कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 9.6 और 7, ठीक है। ये कर लेना इस चैप्टर का, और इस चैप्टर से दूसरा कुछ नहीं करने का जरूरत है, ठीक है। बस इस चैप्टर से ये कर लेना, ओके। ये सब न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। इस चैप्टर से ओनली न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आएंगे, ओके। जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला पूछ देगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ पढ़ लेना, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, सेकंड लॉ के बारे में और फर्स्ट लॉ के बारे में, ओके। रिलेटिव मोशन के बारे में पूछ देता है, ओके। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड है, बता दिए इस चैप्टर को। तो ये
कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। अब इधर का कंप्लीट हो गया, हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, अब बचा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी का दो पार्ट है, दोनों में से अगर टिश्यू आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेन आपका है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको नहीं छोड़ना है, फिर से बता रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को नहीं छोड़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। ओके, इसमें देखते हैं लोग, ध्यान से देखना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर नहीं है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू के बारे में भी देख ही लेते हैं ना, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, चलो देख लेते हैं ना। पहले टिश्यू को ध्यान से देख लेते हैं, टिश्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है टिश्यू के बारे में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ना। टिश्यू क्या होता है ये तो सब जानते हो, इसमें परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का टाइप्स पढ़ लेना, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू ये सब पढ़ लेना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, डिफरेंस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू, और आपका एक और आता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसके बाद जाइलम ऑफ फ्लोएम के बारे में पढ़ लेना, जाइलम ऑफ फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज का टाइप्स पढ़ लेना, ये पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज, ठीक है। इसके बाद जाइलम ऑफ फ्लोएम में डिफरेंस पढ़ लेना, जाइलम ऑफ फ्लोएम क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनिमल टिश्यूज में आप लोग पढ़ना है इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, डिफरेंस बिटवीन इपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज, इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। और एक और आता है मस्कुलर टिश्यू, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ लेना, लेकिन ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, ध्यान से रखना, क्लास 10th में ये फिर से रिपीट होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये फिगर को बना लेना, ये फिगर को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ये फिगर पूछा जाता है। ओके, एरोबिक एरोबिक टिश्यू, एरोबिक एरोरल टिश्यू और एनएरोरल टिश्यू के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, एक लास्ट वाला, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं लो और देखते हैं लो इसके अलावा क्या पूछा जाएगा। बस इसमें यही पूछा जाता है, ठीक है, ये चैप्टर में बस यही टर्न है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से बोलते हैं, इपिथेलियल टिश्यू को जरूर पढ़ लेना, इपिथेलियल टिश्यू का 3 टाइप्स होता है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू से आने का चांसेस है, ठीक है। और एनिमल प्लांट टिश्यूज में परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का टाइप्स, ठीक है, इसको पढ़ लेना जरूर, ठीक है, इससे पूछने का चांसेस है। हो गया, तो ये चैप्टर टिश्यू का बस इतना ही था। इसके बाद अब आता है सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर हाल में आने वाला है क्वेश्चन, तो इसको जरूर करना बाबू, इसको छोड़ना मत, ठीक है, इसमें किसी भी हाल में इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, इस चैप्टर को करके जाना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाइट सेल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इन दोनों को पढ़ लेना, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, और सब्सटेंस यू टू वाटर मूव इन द सेल, डिस्कस, ये सब चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ लेना, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना। इसके बाद इंडो प्लाज्मिक ईआर और इसका टाइप्स, ठीक है,
इक्योरेटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं। इक्योरेटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ लेना, एस ई आर और RER इनके बारे में डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। आता है गोल्गी अपरेटस के बारे में पूछता है, व्हाट इज गोल्गी अपरेटस, ठीक है, इसके बारे में पूछेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम, इसके बारे में पूछेगा, पढ़ लेना, इसके बारे में पूछेगा, पढ़ लेना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में पूछेगा, इसको ब्रीफ में पढ़ लेना, ठीक है। साइटोप्लाज्म, इसके बारे में पूछता है, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। इसमें छोड़ने वाला टॉपिक तो हमको दिख नहीं रहा, ठीक है, तो जितना मार्कआउट किए हैं उसको एटलीस्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं ना, और देखते हैं, यहाँ दे दिया अलग अलग, इसको बाबू बहुत सही से पढ़ना इसको, ठीक है। गोल्गी अपरेटस और लाइसोसोम, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये चार जो टॉपिक है इनको कभी नहीं छोड़ना, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा। सेल डिवीजन, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सेल डिवीजन से ये फिगर आता है, पूछा जाता है सेल डिवीजन का, ठीक है, तो ये फिगर को देख लेना, ठीक है। ये फिगर सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लेना, और बस इस चैप्टर का यही मेन पार्ट था, ठीक है। तो इस चैप्टर को जरूर कर लेना, ओके, जितना टॉपिक बता दिए हैं इसको जरूर कर लेना, ये चैप्टर को छोड़ना मत, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स, सॉरी, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव आएंगे और सब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिश्यू और सेल बता दिए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको पढ़ लेना, एटम्स एंड मॉलिकुल्स को पढ़ लेना, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं लोग क्या है, एटम्स एंड मॉलिकुल्स के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, एटम्स एंड मॉलिकुल्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। यहाँ देख लो, इसमें जो पूछे जाने वाले में से है, इसमें आपको ऊपर से आते हैं लोग, हाँ, ये दो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स एंड मॉलिकुल्स में, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के जाना कौन कौन सा टॉपिक से। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इसका तीन दो पार्ट दिया होगा, ठीक है, ये वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको पक्का पढ़ के जाना, ये दिया हुआ है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको पढ़ लेना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करके जाना, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इधर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये दो टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कौन कौन से बोले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके, लिखते चले जाओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ठीक है। इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, और इसका ड्रॉबैक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक, ठीक है, इसको जरूर कर लेना, ओके। इसके बाद इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स ये 1 से लेकर 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, इसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, ये सब करना है, 3 नंबर भी करना है और 4 नंबर भी करना है, ठीक है, 3 4 नंबर, इसका न्यूमेरिकल्स कर लेना, ओके। इसके बाद आता है, ये सब तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, डिफिनेशन एक, व्हाट इज एटॉमिक मास, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आ जाओ आप आयन वगैरह में, इस सबसे नहीं, कंपाउंड मॉलिक्यूल, इससे आप लोगों को इस टेबल को जरूर याद कर लेना, ठीक है, इससे क्या होगा कि फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टेबल को जरूर करके जाना, ये टेबल को, ठीक है, हर हाल में छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, इससे पूछा जाता है, और ये फॉर्मूला बनाने का ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ठीक है। तो फॉर्मूला को सही से पढ़ लेना, सिंपल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे, ध्यान से रखना है, और ये वाला क्वेश्चन सब करके जाना, ठीक है, ये यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करके जाना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस है, ओके। उसके बाद आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फॉर्मूला, यूनिट, ये सब नहीं आने वाला है, ठीक है, इनको जरूर कर लेना, इधर भी है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ये ऊपर बस 1 नंबर कर लेना, 2 नंबर नहीं करना है, 1 नंबर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मूल कंसेप्ट में से ये सब नहीं आ रहा है, सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, ठीक है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, इस सिलेबस में नहीं है, मूल कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद एक और लास्ट है हमारे पास चैप्टर में, आ जाओ देखते हैं, ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है,
नहीं है, इसमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर आ जाओ, इसके बाद वाला चैप्टर। ये तो बता दिया, और कौन सा बचा? एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच गया। ठीक है, इसके बाद वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसका हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। में आप लोगों को पढ़ना है जो, अच्छा हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आप लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ना है, तो ये सब नहीं पढ़ना है। हाँ, वाटर कैनल रे के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। इसके बाद आ जाओ, ये सब नहीं पढ़ना। हाँ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ये जरूर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थॉमस मॉडल, लेकिन जैसे थॉमस जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस ज़्यादा है। इसका एक एक पॉइंट को जरूर याद कर लेना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर पॉइंट को जरूर याद कर लेना। ठीक है, इनका बारे में सही से पढ़ लेना। ये सब सब पॉइंट से ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस है, सब्जेक्टिव भी आने का चांसेस है। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इनका ड्रॉबैक भी पढ़ लेना। ठीक है, जरूरी है बहुत ज़्यादा, रदरफोर्ड ड्रॉबैक, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, रदरफोर्ड ड्रॉबैक और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड, और उसके बाद बोहर मॉडल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इनका पोस्टुलेट है, दोनों पोस्टुलेट याद करना है, एज इट इज। एनसीईआरटी से याद करना, दूसरा बुक से मत याद करना। ठीक है, ये जरूरी है। इसके बाद न्यूक्लियस के बारे में नहीं पूछा जाता है, ऑर्बिट के बारे में, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, सेल के बारे में, सेल डिवीजन कैसे होता है इसके बारे में आता है। वैलेंसी से ऑब्जेक्टिव आएगा, वैलेंसी पूछेगा, वैलेंसी बता दो। ठीक है, तो वैलेंसी को देख लेना एक बार, उसके बाद ये सब नहीं आएगा। आइसोटोप और आइसोबार में, वाइस आइसोटोप और आइसोबार को एक बार देख लेना, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, आइसोबार आइसोटोप ये देख लेना बस, हो गया, और ये कुछ नहीं आने वाला, बस ये हो गया इसका चैप्टर का मेन। ठीक है, तो यहाँ आकर हमारा चैप्टर खत्म होता है, सारा टॉपिक के बारे में बता दिए साइंस का। ठीक है, अगर इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक है जो तुम लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर चाहते हो उस पर वीडियो बना कर दे, ठीक है, तो हमको कमेंट में बता देना कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सबको सही से पढ़ो। ठीक है, और अपना एग्जाम अच्छा से दो, प्रिपरेशन करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी दिक्कत आए, हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं, हम हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ, और कुछ भी तकलीफ आए तो कमेंट सेशन ओपन है, कमेंट करते रहना। ठीक है, दोस्तों का शेयर करो ताकि ये बेनिफिट दोस्तों तक पहुँच जाए। ठीक है, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगला वीडियो अगर चाहते हो मैथ का भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, तो कमेंट करना, यहाँ पे अगला वीडियो लेकर जरूर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।